स्टूडेंट कैसे आप लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ भी हम अपना सुरक्षित से पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्त, आपका जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है, बीएससी पार्ट वन का सिलेबस है, पार्ट वन। देखिए दोस्त, आपको जो हम पिछले क्लास में जो बताए थे उसमें आपको बताए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो भी आप बना लिए होंगे, और आगे आपको सवाल बताए थे, तो सवाल से ही आगे बढ़ते हैं। आपका आगे सवाल है, कह रहा इफ अगर कॉस एक्स एक्स प्लस आई वाई, इफ कॉस एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ये है, तब कह रहा है देन द प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कॉस टू वाई, कॉस हाइपरबोलिक टू वाई इज इक्वल टू प्लस में कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू, यही दोस्त प्रूव करना है। अब देखिए दोस्त, दिया क्या है आपका कॉस एक्स प्लस आई वाई बराबर में कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन में जो इफ में दिया रहता है उसी को लेके आप आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। देखिए दोस्त, इसको आप कितना, ये कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, इसको ए प्लस बी के कॉस ए प्लस बी पे तोड़ सकते हैं, तोड़ दीजिए, तो कितना हो गया कॉस एक्स इंटू कॉस आई वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन साइन अल्फा। अब देखिए दोस्त, ये आई वाई दोनों टर्म में, किसी एक टर्म में रहना। देखिए दोस्त, इस आई का अगर देखते हैं सर्कुलर फॉर्म में तो कॉस आई एक्स और हाइपरबोलिक में क्या रिलेशन होता है, तो कॉस एक्स इंटू कॉस आई एक्स को लिख सकते हैं दोस्त कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स, और साइन आई एक्स को लिख सकते हैं आई आई इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, आई बाहर लिख दिए, ये हो गया कितना कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, हो गया दोस्त। अब देखिए ये क्या आपका हुआ रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, और देखिए इधर भी क्या है, ये रियल ये इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर और रियल को रियल के बराबर करते हैं, तो इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं दोस्तों cos alpha is equal to cos x into cos hyperbolic y, ये होगा, दूसरा कितना हो जाएगा आपका sin alpha is equal to minus sin x into sin hyperbolic y, इतना हो गया दोस्त। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा है, cos hyperbolic 2y cos x मतलब अल्फा टर्म को इलिमिनेट करना है, इक्वेशन वाला ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। देखिए दोस्त, cos अल्फा है, cos अल्फा है, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा वन हो जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा, तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना आपका। देखिए दोस्त, इस पूरे को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कितना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा,
इसका तो मान आप जानते हैं कि 1 होता है। अगर आप यहां से cos स्क्वायर x है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y है। अब देखिए दोस्त, पहले इस पूरे को एक में लाइए, या तो cos या तो sin, आपको प्रूफ किस में cos में करना है। तो अगर ये सबको हम cos में ला दें तो कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए दोस्त, तो cos स्क्वायर x into cos हाइपरबोलिक y प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x into इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, cos sin स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो cos हाइपरबोलिक y माइनस 1, ये हो गया, ये बराबर का कितना 1 हो गया। अब देखिए दोस्त, अगर हम इसको गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x into cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस इसको गुणा कीजिए, ये कितना cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x into cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 हो गया दोस्त। अब देखिए इसमें आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कट जाएगा, इस दोनों को काट दिए। अब देखिए क्या बचा आपका, एक पार्ट और इधर चार पार्ट बनना चाहिए, इससे 1 से गुणा किए तो इतना हुआ, फिर इससे गुणा किए तो इतना हुआ। अब देखिए दोस्त, यहां से एक कितना है cos स्क्वायर x इधर बचा, ये पूरा खत्म हो गया है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 है। अब देखिए दोस्त, ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, cos हाइपरबोलिक y माइनस 1 है और इधर प्लस cos स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त cos हाइपरबोलिक को इसको ये कितना sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। अब देखिए दोस्त, आपको cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x है। अब आपको एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर cos हाइपरबोलिक 2y रहे तो इसको कितना लिख सकते हैं, sin हाइपरबोलिक x प्लस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो सकता है दोस्त। अब देखिए जब आप इसको तोड़िएगा तो sin में है, sin को रहने दीजिए, cos को तोड़ देते हैं, तो cos हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x, और इसको अगर रखिएगा तो 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y। देखिए दोस्त, एंगल सेम होता है, इसलिए अगर उधर y लिए हैं तो आप इधर भी y ले लीजिए, sin sin 2 हो गया, इसको इधर लाइएगा तो cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू sin हाइपरबोलिक स्क्वायर y, तो इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं। और cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x बाई 2, इतना जान रहे हैं, इसको पुट कीजिए, जब पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू 1, इसको मिटा देते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे आप अगर LCM लेते हैं तो कितना हो जाएगा, LCM लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 2 का LCM, तो ऊपर कितना हो गया cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 प्लस 1 cos प्लस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 1, इस 1 से इस 1 को काट दीजिए, इस 2 को इधर गुणा कीजिए तो हो जाएगा दोस्त cos हाइपरबोलिक 2y प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2, यही तो आपका प्रूफ करना था, प्रूफ देख लीजिए दोस्त, अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, नहीं हुआ तो लिखते चलिए, दिक्कत जिस जगह होता है उस जगह कमेंट करने नहीं छोड़िए। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई, इफ cos हाइपरबोलिक x प्लस आई वाई बराबर में दिया है m प्लस आई एन, m प्लस आई एन तब कह रहा है देन प्रूव दैट, प्रूफ कीजिए, दिया है आपका m स्क्वायर बाय cos स्क्वायर y, m स्क्वायर बाय cos स्क्वायर y माइनस n स्क्वायर बाय sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, देख लीजिए दोस्त, यही आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना है, इसको आप a प्लस b के पे तोड़िए, इसको भी तोड़ दीजिए,
दोनों को इक्वेट करके एम एन का मूल निकालिए पहले। तो सॉल्यूशन में दोस्त देखिए, ये दिया हुआ है कितना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एम प्लस आई एन, ये दिया हुआ है। देखिए दोस्त, इस हाइपरबोलिक को सर्कुलर में पहले तोड़ देते हैं, तो कॉस आई एक्स हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एम प्लस आई एन। अब देखिए दोस्त, ये आई से इसको गुणा कीजिए, ये कितना हो जाएगा, कॉस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई, ये आपका आई है, इज इक्वल टू एम प्लस आई एन होगा दोस्त। अब देखिए आई स्क्वायर का मान कितना, माइनस वन, तो हो जाएगा कॉस आई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एम प्लस आई एन। इतना अगर हो जाता है तो देखिए दोस्त, ये कितना, इसको ए मानिए, इसको बी, ए माइनस बी पे तोड़ दीजिए, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू एम प्लस आई एन, ये हो गया दोस्त। अब देखिए इस कॉस को अगर हाइपरबोलिक में लिखते हैं तो कितना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, ये हो गया कॉस वाई, इसको अगर लिखेगा तो आई इंटू साइन आई हाइपरबोलिक एक्स, ये कितना हो गया साइन वाई इक्वल टू एम प्लस आई एन। अब देखिए दोस्त, ये आपका पूरा रियल रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कीजिए, तो लिख सकते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट कीजिएगा तो ये m बराबर कितना, ये पूरा हो जाएगा, तो m बराबर लिख सकते हैं दोस्त cos हाइपरबोलिक x इक्वल इनटू cos y, एंड बराबर कितना हो गया आपका sin हाइपरबोलिक x इनटू sin y। अब देखिए दोस्त, आपको किसना y को रहने देना है, हाइपरबोलिक को एलिमिनेट करना है, इसको खत्म करना है, तो यहां से लिख सकते हैं दोस्त cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू m by cos y, और इसमें अगर लिखते हैं आप तो कितना लिखेगा sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू n by cos अतिस n by sin y, इसको मानिए इक्वेशन वन, इसको मानिए इक्वेशन टू। आप ये रिलेशन जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू वन होता है, तो देखिए दोस्त, ये cos हाइपरबोलिक है, ये sin है, अगर हम एक को स्क्वायर करके दो को स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कीजिएगा m by cos स्क्वायर y माइनस n स्क्वायर by sin स्क्वायर y। अब देखिए दोस्त, इसको तो इधर लिख सकते हैं, इसका मान वन हो गया, तो m स्क्वायर by cos स्क्वायर y माइनस n स्क्वायर by sin स्क्वायर y इज इक्वल टू वन, यही तो आपको प्रूव करना था। देख लीजिए दोस्त, कहीं भी अगर दिक्कत हुआ होगा तो बोलिएगा, अगर दिक्कत नहीं हुआ है तो लिखते जाइए, और फॉर्मूला जितना भी बताए हैं टोटल आप याद रखिएगा, और कहाँ कौन फार्मूला यूज होगा वही सिर्फ हम बता रहे हैं, बाकी आपका अगर फार्मूला याद है तो कहीं नहीं रुकिएगा, फार्मूला टोटल याद कीजिए। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ टेन आई अल्फा प्लस आई बीटा, इफ टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तब कह रहा है देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू आई वाई कॉट टू अल्फा इज इक्वल टू वन, ये प्रूव करना है। तो क्या कीजिएगा दोस्त, सॉल्यूशन में आप देखिए दिया क्या है, टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो लिख सकते हैं दोस्त टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए,
अगर हम इसका एंगल रखें, अल्फा प्लस आई बीटा को रखें, तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई होगा दोस्त। इस इक्वेशन को मान लीजिए वन मान लिए। अब देखिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ आपको बताए हैं कि अगर कंजुगेट लेना हो या मॉडुलस निकालना हो या आर्गुमेंट निकालना हो तो किस तरह निकाला जाता है। तो अगर आप यहाँ आपका क्या है, टू अल्फा है, टू अल्फा को पुराने के लिए आपको कंजुगेट ले लीजिए। तो वी टेक कंजुगेट, वी टेक कंजुगेट, जब आप कंजुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस आई वाई, इसको मानिए दो, मानिए दोस्त। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, आई बीटा साफ हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा जोड़ अल्फा, टू अल्फा, तो कितना हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, जब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ से आई आई खत्म हो गया दोनों, तो टू अल्फा बच गया दोस्त। इधर कितना हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस आई वाई। अब देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई और टेन इनवर्स एक्स माइनस आई वाई है, तो क्या आप इसको, ये फॉर्मूला बताया गया है, बस फॉर्मूला बताया गया है, तो क्या बताया गया है, तो देखिए दोस्त, आज जब टू अल्फा टेन माइनस टेन इनवर्स है, अब देखिए टू अल्फा हो गया इधर, तो ये एट टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स बी, इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी, ए प्लस बी बाय वन माइनस टेन ए इंटू बी, ए इंटू बी हो गया दोस्त। अब देखिए, इस आई वाई से इस आई वाई को काट दीजिए, बचा कितना, टू एक्स बचा आपका ऊपर में, और नीचे कितना, वन माइनस एक्स प्लस आई वाई, और एक्स माइनस आई वाई है। अब देखिए दोस्त, ये कितना हो गया, टू अल्फा, इस टेन को इधर लाते हैं, तो टेन टू अल्फा इज इक्वल टू एक्स जोड़ एक्स, कितना हो गया, टू एक्स बाय, यहाँ कितना हो गया, वन माइनस, इसको अगर आप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बोलिए कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान क्या आता है, माइनस वन, तो आई स्क्वायर का माइनस वन प्लस हो गया। अब इसको यहाँ देखिए, ये वन है, इसको अगर पलट दें तो वन बाई टेन अल्फा को कॉट अल्फा लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्त, ऐसे टेन टू अल्फा है, टेन टू अल्फा है, आप क्या जानते हैं, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू वन होता है, टेन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई कॉट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं वन बाई कॉट टू अल्फा इज इक्वल टू 2x by 1 minus x square minus y square, cross multiplication कीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा कितना, आ गया देखिए दोस्त, आपका आ गया cot 2x is equal to into 2x, वहाँ 2 alpha है cot के जगह, ये alpha is equal to हो गया 1 minus x square minus y square, इस दोनों को इधर लाते हैं तो x square plus y square प्लस टू एक्स कॉट टू अल्फा हो गया दोस्त। यही आपका प्रूफ करना था, यहाँ आई वाई ना होके यहाँ एक्स हो जाएगा। तो देख लीजिए दोस्त, यही था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स कॉट टू अल्फा इक्वल टू वन, तो आपका प्रूफ हो गया वन, प्रूफ्ड। देखिए दोस्त, आपका ये हो गया तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन जो भी है। अब देखिए आगे आपका क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ अगर टेन अल्फा प्लस आई बीटा, टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू है एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तब कह रहा है देन द प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई कॉट हाइपरबोलिक टू बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वन प्रूव करना है आपको। देखिएगा दोस्त, ये दिया हुआ इफ टेन अल्फा
टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब कह रहा है देन प्रूव डेट, कीजिए प्रूव कीजिए इतना बराबर माइनस वन होता है। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में क्या है, टेन अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये दिया हुआ है। यहां से अगर इसका एंगल निकाल रखते हैं तो अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए दोस्त अल्फा प्लस आई बीटा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अगर आप आपको क्या चाहिए, टू बीटा चाहिए, टू बीटा बीटा है यहाँ। अगर हम इस इक्वेशन को अगर कंजुगेट ले लें इस इक्वेशन का तो क्या हो जाएगा, वी टेक कंजुगेट, वी टेक कंजुगेट तो कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई, इक्वेशन कितना हो गया दो। अब देखिए आपको यहाँ प्लस बीटा माइनस बीटा दोनों को ले जाएगा, लेकिन इसको रखना है अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें या घटा दें तो कितना बचेगा, ऑन सब्ट्रैक्ट, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अल्फा और अल्फा खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस ये खत्म, प्लस प्लस जुट जाएगा, तो कितना हो गया 2i बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस दोनों को, यहाँ माइनस रहेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस आई वाई होगा क्योंकि कंजुगेट लिए हैं इस जगह। अब देखिए दोस्त ये हो गया 2i बीटा, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो क्या जानते हैं टेन ए मानिए इसको, इसको बी मानिए, तो टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो क्या जानते हैं आप टेन इनवर्स ए माइनस बी माइनस एक्स प्लस आई वाई बाय ए माइनस बी वन माइ वन प्लस एक्स प्लस आई वाई ए इंटू बी, हो गया दोस्त। अब देखिए इस एक्स से इस ये एक्स खत्म, इस टेन को इधर लाइए, तो इधर लाइएगा तो ये टू आई बीटा है, इधर जब लाइएगा तो टेन टू आई बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपका आई वाई और आई वाई टू आई वाई टू आई वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए तो प्लस कैसे होगा, तो ए ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इस टेन टू आई बाई आई बीटा यही ना दोस्त, अगर आप इसको कॉट में लिखते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं दोस्त वन बाय कॉट टू आई बीटा इज इक्वल टू टू आई वाई बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू आई वाई कॉट टू आई बीटा। अब देखिए यहाँ कितना हो गया टू आई बीटा हो गया, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखते हैं तो ये दोनों पार्ट इधर आ जाएगा, कितना हो गया टू आई वाई कॉट टू आई बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए दोस्त यहाँ से इस टू आई टू आई है, टू आई को रहने दीजिए, आई को कॉट के साथ कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू आई इंटू आई कॉट आई टू बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए आप एक कॉट में और हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन में रिलेशन आपको बताए थे कि अगर आई कॉट आई एक्स रहे, ये इसको मानिए एक्स, आई कॉट आई एक्स रहे तो इसको हम लिख सकते हैं कितना टू आई कॉट हाइपरबोलिक एक्स, एक्स के जगह कितना टू बीटा है माइनस वन। तो आपको तो यही प्रूफ करना था, देख लीजिए दोस्त प्रूफ हो गया। अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप बोलिएगा,
और नहीं हुआ है दिक्कत तो लिखते जाइए। और आज जो भी क्लास हो रहा है दोस्त, वो टोटल का क्वेश्चन जितना भी बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका पीडीएफ बना के लिंक दे दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो एक ही को वीडियो में दे दिया जाएगा टोटल लिंक जितना आपको बताया गया है। तो लिखिए इसको, आगे बताते हैं। देखिए दोस्त, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अगर साइन थीटा प्लस आई गामा, गामा नहीं है ये फाई है, थीटा प्लस आई फाई, आई के बाद गामा रहे, थीटा रहे, डेल्टा रहे, कुछ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों एंगल सेम नहीं रहेगा। अब देखिए ये जो दिया है, ये दिया है यू प्लस आई भी, यू प्लस आई भी, तब कह रहा है प्रूव डेट, प्रूव कीजिए, प्रूव डेट कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा द रूट ऑफ द इक्वेशन, कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई फाई द रूट ऑफ द इक्वेशन द इक्वेशन है आपका टी स्क्वायर माइनस वन प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये जो बन रहा है ये जीरो होगा। तो देखिए दोस्त क्या दिक्कत, इसको बनाते जाइए, आप आगे बना दे बता दीजिएगा। ये कितना है, साइन थीटा प्लस आई ये फाइ है इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, पहले यू और बी का मान निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है दोस्त, साइन थीटा प्लस आई फाइ यू प्लस आई भी, आप थीटा प्लस इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी का जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस आई फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन आई फाई इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। इसको आप हाइपरबोलिक फंक्शन में लिखिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस, ये इसको लिखिएगा तो आई इंटू हाइपरबोलिक आई साइन हाइपरबोलिक फाई होगा, तो आई बाहर कर दिए तो cos थीटा इनटू sin हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू u प्लस i भी होगा दोस्त। अब देखिए ये आपका रियल पार्ट, ये आपका रियल पार्ट, ये इमेजिनरी इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जब उसको इक्वेट कीजिएगा तो u का मान हो जाएगा का sin थीटा इनटू cos हाइपरबोलिक फाई, और v का मान हो जाएगा आपका cos थीटा इनटू sin हाइपरबोलिक फाई, हो गया दोस्त। अब देखिए आपका जो रूट दिया गया है, ये भी का मान हो गया। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अगर साइन थीटा बराबर यू प्लस आई भी है, वो तो हम निकाल लिए, प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, देन द प्रूव करना है द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन जो बना है इस इक्वेशन का रूट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब देखिए जब इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए दोस्त तो बाय द क्वेश्चन से रूट क्या दिया हुआ है, रूट एक दिया हुआ है कितना साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया हुआ है कॉस स्क्वायर फाइ, यही है दोस्त, ये इनटू में नहीं है, दो रूट है, एक को मानिए अल्फा एक को मानिए बीटा, अल्फा बीटा मान लिए, जब दो रूट रहे
तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? तो देखिए दोस्त, अगर ये अल्फा और बीटा है, दो रूट है, तो दो रूट है तो ये दो रूट से क्या क्वाड्रेटिक ही बनेगा, क्या लिनियर बन जाएगा? अगर दो रूट है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। क्वाड्रेटिक का आप क्या जानते हैं फॉर्मेट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मूल रूप पता है। और अगर उसका क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए दोस्त, यहाँ टी से जो है इसको किया है, यहाँ भी टी होगा, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तब तो अब देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर फाइव, बीटा का कितना मान दिया है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव। अब देखिए दोस्त, लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू जीरो, यही प्रूफ करना है। अब देखिए दोस्त, इसको इस इक्वेशन का मान ये एक्स, अब देखिए अगर आप यहाँ से ये कितना दिया हुआ है, वन प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप u स्क्वायर और v स्क्वायर निकालते हैं, u स्क्वायर और v स्क्वायर ये है, इसको मानिए 1 और इसको मानिए 2, 1 2 मान लिए। अब दोनों को अगर स्क्वायर करते हैं तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा दोस्त। अब देखिए ये कितना हो गया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इनटू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, यही है दोस्त। अब देखिए अगर आप इसको तोड़ते हैं, किसी एक फंक्शन में अगर लाते हैं, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव है, तो ऐसा कीजिए इस साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, इस साइन हाइपरबोलिक को तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस वन होगा दोस्त। अब देखिए जब इतना होगा तो ई तो रह गया इतना ही, साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस, इसको आप गुना कीजिएगा तो वन से गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, कॉस हाइपरबोलिक फाइव माइनस वन, इससे गुना कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्त, अगर इसको काटे तो ये दोनों आपका खत्म हो जाता है, इस माइनस को इधर लाइए माइनस वन को, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, ये हो गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब बचा के साइन स्क्वायर। अब देखिए आपका इक्वेशन क्या है, यू स्क्वायर है तो यू का मान निकालिए यू स्क्वायर का, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कर दें तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको मानिए इक्वेशन फोर्थ, और इसमें आप पुट कीजिए इक्वेशन फोर्थ और थ्री का वैल्यू, फोर्थ और थ्री का वैल्यू अगर आप इसको उल्टा के लिखते हैं तो ये हो जाएगा दोस्त, इसको उधर लिख दीजिए, या तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाइव इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव का मान कितना, यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक का मान कितना है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
प्रूफ हो गया दोस्त, इक्वेशन निकल गया उस रूट से। तो देखिए दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं, जब सेम है तो यही हो गया आपका प्रूफ। प्रूफ इसको लिखिए, अगर कहीं दिक्कत होता है तो जरूर बोलिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दिक्कत रहने से ना तो आपको फायदा है ना हमको फायदा है। अगर हम पढ़ाए हैं तो आपको दिक्कत नहीं रहने के लिए, और आप अगर पढ़ रहे हैं तो उस दिक्कत को दूर कीजिए, आगे बढ़ते जाइए, लिखते जाइए। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, कह रहा इफ कॉस थीटा प्लस आई फाई, इफ कॉस थीटा प्लस आई फाई, ये जो दिया हुआ है ये कह रहा है यू प्लस आई भी, यू प्लस आई भी, तब कह रहा है देन द प्रूफ दैट, देन द प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई जो है आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस वन प्लस यू यू प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी और प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही है। देखिए दोस्त पीछे जो बनाए क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के हिसाब से है, देख लीजिए इसको भी क्या है दिया है कितना, इफ कॉस थीटा प्लस आई फाई यू प्लस आई भी, तो देखिए दोस्त इसको लिख दीजिए कॉस थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, पहले आप यू और भी का मान निकालना है, पहला टारगेट यू और भी। अब देखिए दोस्त ये कितना ए है ये भी है, कॉस ए प्लस बी, कॉस थीटा इंटू कॉस आई फाइ माइनस साइन थीटा इंटू साइन आई फाइ इज इक्वल टू यू प्लस आई भी होगा। अब देखिए कॉस आई थीटा को अगर हाइपरबोलिक में लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइ माइनस साइन थीटा इंटू साइन आई साइन हाइपरबोलिक फाइ U प्लस आई भी, ये हो गया दोस्त। अब देखिए इस I को अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो कोई दिक्कत, अब देखिए ये इमेजनरी रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, दोनों को इक्वेट कीजिए। इक्वेट का मतलब होता है कंपेयर, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब आप उसको रियल और इमेजिनरी का इक्वेट कीजिएगा तो यू बराबर हो गया कॉस थीटा इनटू कॉस हाइपरबोलिक फाइ और भी बराबर हो गया साइन थीटा माइनस साइन थीटा इनटू साइन हाइपरबोलिक फाइ, इसको मान लीजिए वन, इसको मानिए टू। अब क्या कर रहा है, अब देखिए कह रहा है यू कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है तो दो रूट है बाय क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या कह रहा है, क्वेश्चन से कह रहा है आपका रूट्स क्या है, एक रूट दिया है कितना कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइ, ये दिया हुआ है, इसको मानिए अल्फा, इसको मानिए बीटा, ये हो गया कितना अल्फा, ये हो गया बीटा, दो रूट है मतलब द्विघात, द्विघात का आपको फॉर्मूला क्या है याद, फॉर्मूला क्या होता है द्विघात का, कि यहाँ टी से डिनोट किया है टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो, यही ना होगा दोस्त। अब देखिए दोनों रूट को उसमें पुट कीजिए, जब पुट कीजिएगा तो टी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई पल इंटू टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो, यही होगा। इसको मानिए इक्वेशन एक्स या वाई, जो भी मान सकते हैं। अब देखिए
ये अब निकालना है मान किसका हमको, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई का प्लस में। अब देखिए दोस्त, अगर आप इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं स्क्वायर करके तो क्या होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके जब ऐड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन का मतलब कि कॉस और कॉस नहीं रहना, ना रहने देना है, साइन को तोड़ देना है। साइन जो है इसको तोड़ दीजिए, जब इसको तोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देख दोस्त, और साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है इसको कितना लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई -1। अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई -1, इससे गुना किया जाए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये पार्ट खत्म हो गया, इस -1 को उधर लेके चलते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ बचा कितना, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर इधर ले जाइएगा, इस दोनों को इधर लिखते हैं तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 1 होगा दोस्त, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। अब देखिए दोस्त, आगे आपको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को जब उसको स्क्वायर कीजिएगा तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये हो गया, इसको मानिए फोर्थ। अब इक्वेशन एक्स में क्या है, फ्रॉम एक्स से अगर आइएगा, फ्रॉम एक्स एक्स में क्या है दोस्त, टी स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई टी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, यही है। अगर हम यहाँ हेल्प ले लें 3 और 4 से तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटू टी प्लस इसका मान कितना है, यू स्क्वायर इक्वल टू 0। हेल्प किससे लिए हैं, हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ। देखिए दोस्त, ये कितना है, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस तीनों प्लस में है, ये भी तीनों प्लस में है, इंटू टी प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर आ गया, यही तो प्रूफ करना था, हो गया आपका प्रूफ। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं है दिक्कत तो आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, अगला आपका कह रहा है प्रूव दैट cos root i into x is equal to cos x by root 2 into cos hyperbolic x by root 2 minus i sin x by root 2 into sin hyperbolic x by रूट टू, यह है दोस्त प्रूफ करना है, सॉल्यूशन से आते हैं। अब देखिए, कॉस आई एक्स था तो आप लिखे थे, आपको याद है, उसको कैसे चेंज करना है, यहाँ है कॉस रूट आई एक्स, तो पहले इस रूट का वैल्यू निकलेगा तब तो देखिए दोस्त, आप 11th में पढ़े थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वहां था
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आई, आई का स्क्वायर रूट। तो देखिए दोस्त, इस आई है तो आई को आई बाय वन लिख सकते हैं। अगर हम ऊपर नीचे टू से गुना कर दे, टू से भाग दे दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर इसी जगह हम अगर वन जोड़ दें टू आई में और वन घटा दें बाय टू, तो माइनस वन प्लस वन खत्म। अब देखिए दोस्त, इस जगह इस वन को रहने देते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी में है आई, तो माइनस वन को प्लस आई का अगर स्क्वायर लिखे तो कोई दिक्कत, नीचे कितना हो गया टू। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो किसका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं दोस्त आई इज इक्वल टू वन प्लस आई का होल स्क्वायर बाय रूट टू, अभी टू होगा पहले अभी। अब क्या रूट चाहिए इसका, तो रूट आई हो गया, तो इधर भी तो रूट चढ़ाइएगा वन प्लस आई का होल स्क्वायर बाय टू। अब देखिए इसको अलग कीजिएगा तो वन प्लस आई ऊपर में बचेगा और नीचे रूट टू बचेगा, बचेगा या नहीं। अब देखिए ये कितना रूट आई का मान आ गया। अब आइए क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है एलएचएस में, एलएचएस क्या है आपका, कॉस रूट आई इंटू एक्स है, इंटू एक्स है, ये निकालना है आपको। तो देखिए दोस्त, रूट आई का मान कितना निकाले, यहाँ से इसको अगर अलग कर दें तो वन प्लस रूट आई वन बाय रूट टू आई बाय रूट टू हो गया। इसको अगर लिखते हैं तो कॉस वन बाय रूट टू प्लस आई बाय रूट टू इंटू एक्स, इस एक्स से इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कॉस एक्स बाय रूट टू प्लस आई एक्स बाय रूट टू होगा। ए प्लस बी तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी आई एक्स बाय रूट टू माइनस साइन एक्स बाय रूट टू इंटू साइन आई एक्स बाय रूट टू। अब देखिए दोस्त, हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस आई इंटू एक्स था तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हैं उसको, तो ये कितना हो गया कॉस एक्स बाय रूट टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू माइनस, ये तो इतना ही लिखाएगा लेकिन इसको जब आप चेंज कीजिएगा साइन आई एक्स बाय रूट टू है, आई एक्स है यह, तो आई को अगर हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं तो आई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो एक्स की जगह कितना है एक्स बाय रूट टू। तो देखिए दोस्त, क्या प्रूव करना था, कॉस एक्स बाय रूट टू कॉस एक्स बाय रूट टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू माइनस आई साइन एक्स बाय रूट टू आई साइन एक्स बाय रूट टू साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू हो गया दोस्त, यही था आपका प्रूफ, ये हो गया। अब देखिए जैसे ये हुआ, दूसरा है आपका इसी में रहेगा कि अगर कॉस में माइनस रहे, अगर माइनस रहता तो आप क्या, यहाँ माइनस आई रहता, इसको लिख लीजिए। अब आगे बता रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कहेगा कि साइन रूट आई एक्स बराबर में आपको प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है आपको, साइन एक्स है तो साइन एक्स बाय रूट टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू प्लस आई साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स बाय रूट टू, यही प्रूव करना है। अब देखिए दोस्त, सॉल्यूशन से आप रूट आई का मान क्या जान रहे हैं, इतना जान रहे हैं ना, यहाँ इसको मान लीजिए वन, फ्रॉम वन से ले लीजिएगा हेल्प या लिख सकते हैं उस जगह, तो आप यहाँ एलएचएस से डायरेक्ट हम आते हैं एलएचएस साइन रूट आई एक्स। अब देखिए दोस्त, साइन रूट आई का मान क्या निकाले हैं, वन बाय रूट टू प्लस आई बाय रूट टू इंटू एक्स, इसको गुना कीजिए एक्स से तो कितना हो जाएगा साइन एक्स बाय रूट टू प्लस आई एक्स बाय रूट टू। ए प्लस बी तो क्या जानते हैं दोस्त, साइन एक्स बाय रूट टू इंटू कॉस
आई एक्स वाई रूट टू प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स वाई रूट टू इंटू साइन आई एक्स वाई रूट टू। कितना जानते हैं आई एक्स है, इसको हाइपरबोलिक में लिखिएगा तो कितना आ जाएगा साइन एक्स बाय रूट टू इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू प्लस ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाय रूट टू इंटू यहाँ इसको अगर तोड़िएगा तो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है तो आई आपका बाहर आ गया साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू। तो देखिए दोस्त आपका क्या प्रूफ करना था साइन एक्स बाय रूट टू साइन एक्स बाय रूट टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाय रूट टू ये हो गया आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस एक्स। तो यही तो आपका प्रूफ करने के लिए था प्रूफ। देखिए दोस्त आज इतना तक ही, अगले क्लास में जो आएंगे इसका माइनस आई वाला बताएंगे और उसी के साथ अगला जो भी रहेगा क्वेश्चन वो क्वेश्चन बताएंगे और ये चैप्टर हो सकता है अगले क्लास में खत्म हो जाए या और एक क्लास चलेगा, नहीं तो अगर खत्म हो जाएगा तो अगले क्लास में आपको वेक्टर स्टार्ट किया जाएगा जो भी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ये सिलेबस ऐसे पार्ट टू का है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जहाँ की पार्ट वन में भी पूछा जाता है, तो जहाँ पार्ट वन में पूछा जाता है दोस्तों वहाँ पार्ट वन में पढ़ लीजिए और जहाँ पार्ट टू में पढ़ा जाता है वहाँ पार्ट टू के हिसाब से पढ़ लीजिए। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए।